अस्सलाम वालेकुम गाइज, उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर से होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफी मजे का होने वाला है। तो आज का जो हमारा सफर है वो उससे भी ज्यादा लंबा होने वाला है। आज हम जा रहे हैं कराची जा रहे हैं, मेरे साथ साहिल और हैदर मलिक वो भी जा रहा है। तो गाइज आपको मैं बताता चलूं, लंबा तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने और हैदर ने अपनी जो हमारी कोरोना की डोज थी वो हमने सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाई, जिसकी वजह से हम प्लेन में सफ़र नहीं कर सकते, तो हमें बाय ट्रेन जाना पड़ेगा। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके लाजमी बताना वीडियो कैसी लगी। तो अभी हम जाते हैं साहिल को लेने। और एक और बात, ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है, तब आपको जाके समझ आएगा क्योंकि हमारा सफर होने वाला है इस्लामाबाद टू कराची। और अभी चलते हैं हम साहिल को लेने, आइए। तो गाइज आप समझ रहे होंगे हम गाड़ी में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि सामान मैंने रख लिया है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा दोस्त होगा जो गाड़ी लेके वापस आ जाएगा और हम जाएंगे बाय ट्रेन। अरे साहिल, बट मैं समझ रहा था कि ये अभी तक उतरा नहीं है, बट ये आके और इधर एक जगह पे बैठ गया। ऐसा अजीब बंदा बट साहब, बहुत हैवी वाला थका हुआ, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। शेयर करते हैं, फिलहाल हम गाड़ी में बैठते हैं और से बात सीन है सर, तो और हैदर की भी, और हैदर की भी, तो जिसकी वजह से अब ये सीन है कि मैं हम लोग ट्रेन पर जा रहे हैं क्योंकि जाना तो हमने है बिल्कुल ज़रूरी। बहुत गए अली रियाज की बर्थडे, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। हैदर आ रहा है, हैदर का ट्रेन की अभी टिकट्स लेने आए हैं, तो टिकट्स लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कितने बजे टिकट्स हमने ले लिए। और टिकट्स का ये मसला हुआ है कि ये हमें मिली है रात के पौने दो। मतलब कि हमें एक डेढ़ बजे तक आ जाना है यहाँ। शुक्र है मिल गई है, नहीं तो वो क्या कह रही थी कि 11 तारीख तक टिकट्स बुक कर। नो, मलिक साहब का वेट कर रहे थे और मलिक साहब वो आ रहे। मलिक साहब कौन अगर बताओगे? हैदर मलिक। ओके, ऐसे नहीं चलेगा, बंद करो इसे। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो हैदर मलिक? क्या है, ठीक हो? अभी क्या करना है? क्या कर रहे कैमरा की यूट्यूब भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो बंद करो। बंदे ने किसी कैफे वाले से बात की ये प्रमोशन की और हमें जबरदस्ती लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ये हमें जबरदस्ती लेके जा रहा है, कहते आओ कैफे से, इसका मतलब ये है कि इसने हमसे करवानी है प्रमोशन। नहीं, तुम जाओगे वहाँ पे हमारे लगवाओगे, क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो भाई? मैं आपको, आप हमारे शहर में आए सर, भी शीशा पिलाना चाहते हैं इनको, हमने का थोड़ा बहुत हुक्का शुक्का फ्रेंच फ्राइज बनाया, यू नो, यहाँ पे मेरे साथ दो अमीर लड़के आए हुए जो शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये देखें, जहाँ भी जाते हैं इन्होंने सबसे पहले शॉपिंग करनी होती है। आजकल फुल हैशटैग अमीर मुंडे, क्यों व्हाट्सएप यही है ना, यही है। और ये हैदर मलिक, तो आपको पता है कि ये 12 प्रो मैक्स, की ट्रीट कब दोगे? ये जबरदस्ती लेके दिया था, मेरा कोई मूड नहीं था, अभी कह रहा है मैं बैग चेंज करा दूंगा, अब वो भी जबरदस्ती मेरा खर्चा करा रहा है, इससे मुझे तगला करा देना किसी से, ये भी। तो गाइस जब इसके पास इतना पैसा है तो तूने कब्र में लेके जाना है? तो गाइस बाकी सफर आपको बाद में बताएंगे। लग रहे हो साहिल? ओह थैंक यू ब्रो, ये मैंने फाहद की चॉइस ली है, ये कह रहा है कि ये अच्छी है, मैंने कहा चलो फिर ठीक है डन करते हैं, फिर लेते आएंगे। आपके ऊपर हर चीज अच्छी लगती है, यू नो। यस आई नो बेबी, बट ये कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। ओह बॉय, अब वो चेंज करो दूसरी। सब पीछे अभी बंद करो, बंद करना होगा, चेंज करो ना। ओ खैर है, कोई बात नहीं, खैर उन्होंने यहीं पे शेड लेके यहीं पे चेंज कर। वाह यू नो, दस दिन से घर से बाहर रोज जाते हैं शॉपिंग करते। सागर, सागर है, मैं सागर हूँ। और ये कौन है? ये लंडे में हमने अपने नाम चेंज किए। ये सिर्फ हम अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए आए हैं, अगर हमें कुछ पसंद आ गया तो हम वो भी ले। शूज देखो, टेनिस बॉल के ऊपर जो घास लगा था ना, उस शूज के ऊपर लगा। तोते भी खाल लाई।
तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, जिंदगी में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज लंडा लंडा कुछ भी मिलता है आपको, जहाँ जो चीज खरीदी वो खरीदो, किसी की बात करनी अपनी। तो गाइस ये दोनों छुप छुप के यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। शॉपिंग करनी चाहिए। सागर पूरी नहीं है तुम्हें? नो यार, मुझे भी पसंद नहीं आ रहा, यू नो, मुझे आउटफिटर की याद आ रहा। ये बंदा मुझे व्लॉग नहीं बनाने दे रहा, पीछे हो जा। मैंने बोल दिया ऐसा फाद के चैनल में, अगला हिस्सा आप इस चैनल में देख सकते हैं, जो पिछला हिस्सा करता है ना वो मेरे चैनल में था। यहां से जैसा कि रात के 2:15 बजने वाले और रात के 2:15 बजे हो ऐसे करते जा। आपके पास ऐसे दोस्त हों तो फिर आप क्या, आपको और क्या चाहिए। कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, चोर आया कंध टप्पी मज खोल के लाए, नहीं सॉरी, चोर आया मज टप्पी कंध खोल के लाए। मेरे ख्याल से वो आ गई है, बट ये आ गई है अभी, हमने याद की और आ गई। तो कैसा फील कर रहे हो, कितने अरसे बाद ट्रेन में सफर कर रहे हैं? एक साल बाद। एक साल बाद बॉल में खेले, तब हम लोग कराची में खेले। ये मुझे क्या कह रहा है, ट्रेन छूट गई है। इसके ना आंखों में चीते ये सर, तो गाइस सुबह के 6:30 बज रहे हैं, जहाँ से मोबाइल निकाले तो गाइस आप लोगों ने रात को देखा था कि ये फेक नहीं लगाया गया, ये रियल, ये ट्रेन की चल, तो गाइस उसके अंदर ट्रेन की चलने की आवाज भी आ रही है और बाकी लोगों के सोने की भी आवाज आ रही है और बीच में तुम्हारी भी आ रही है और मेरी खराटों की आवाज आ रही है। खराटे सबसे पहली बात ये है कि मुझे तो खराटे लेने ही नहीं आते। तो गाइस आपने देख लिया, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब बंदा सोया होता है उसको नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये एडिट करके ऊपर लगाएगा गाइस, चेक कर लेना, मैच भी एडिट करके नहीं लगाएगा। अभी तो बहुत काफी सफर रहता है, मैं आपको आगे भी और बहुत कुछ बताऊं। मैंने नाश्ता मंगा लिया, डॉक्टर साहब ने ऑर्डर किया था, आ चुका है। तुमने मांग खाया, पहले मंगा लिया, बड़े भूखे हो तुम। उनको पुलिस वाला लेके देके जाते हर स्टॉप पे, डर गए। मक्खन के साथ खाएंगे हम। हाँ तो गाइस हम नाश्ते करते हैं, पुलिस में ये क्या चीज है, ये थर्मल पावर प्लांट है, इधर कोयले से बिजली करते हैं। हाँ हैदर को देखे, हैदर कितना वेट कर लोगे? और तुम जैसे अच्छे दोस्त तो वेट ही नहीं। अभी कितना टाइम रहता है हमें? अभी सुबह 6 बजे पहुंचेंगे और वो देखेंगे ऊपर एक सोया, ये एक साहिल सोया हुआ है और एक ये मैं सोया हुआ, तो इंशाल्लाह हम सुबह 6 बजे तक कराची पहुंच जाएंगे। मुल्तान पहुंच चुके हैं, मुल्तान आ गया, अब हमने हलवा लेना है इधर से, थोड़ा वो मीठा तो होना चाहिए ना। मुर्गी मुर्गी मोल भी है, मुर्गी अरे तबली की आवाज बड़ी है, पूरी पूरी मुझे लगता है वो होते हैं जो वापस आ रहे हैं। हाँ हाँ, जो वापस आ रहे हैं। वो हो गया खत्म काम, खत्म हो गया, 2 दिन तो ऐसे रहेगा ही, सीट नहीं, परसों से फिर शुरू करना, सीट नहीं मिलेगी, लोग वहां से वापस, डिमांड इतनी है कि यहां से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए रात के 2 बजे तक आए थे, मुश्किल मिली है, ऐसी उम्मीद थी, दूसरे होल पर ही वो ऊपर बंद बैठे थे। अच्छा तो बोलो, उसको बोल देते हैं। तो जैसा कि गाइस मैंने बताया, हमारे साथ एक अंकल है जिनकी माशाल्लाह हर स्टॉप पे कोई ना कोई आता है, मतलब कि प्यार है तो आता है ना, कि पूछता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ भी आपके साथ मसला है तो हमें फ्री में प्रोटोकॉल मिलता है, हमें फ्री में प्रोटोकॉल मिलता है। थैंक यू सो मच अंकल, हमें प्रोटोकॉल।
वो दरअसल प्रोटोकॉल अंकल को मिल रहे हैं, बट अंकल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये भी इनकी मेहरबानी है, नवाजिश है। क्या करने जा रहा है सर? सर बोल इसको अपनी जगह पे बैठने का। क्या करने आए हो? अंदर अंदर मिशन दे गया हो सफर कर यार तुझे ही आया दिल। इधर आ, इस वाले वाशरूम में, इस वाले में, दूसरे वाशरूम में चला जा। खड़े होके वाशरूम इस्तेमाल ना करें। अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह से गुजर रहे हैं, तो हैदर कैसा लग रहा है आपको? दिल गार्डन गार्डन में पहले यहाँ से गुजरा हूँ जब मैं लास्ट टाइम अकेला आया। एक ही तरह है गुरु गार्डन का, उस टाइम मैं अकेला था और अभी तुम मेरे साथ हो ब्रो। अकेले सफर करने सबने कराची में अकेले सफर किया था, अब उसके बाद जब हम कराची में सफर करते तो इकट्ठे करते। और जब हम कहीं भी, अब तो ऐसा हो गया कि हम कहीं भी जाते हैं तो सारे इकट्ठे ही जाते हैं ज़्यादातर। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम मैं अकेला बैठ के शेर व शायरी सोच रहा हूँ। शेर सुनावा, शेर सुनावा, शेर लगी गुल्ली।